नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वह है पारादीप फॉस्फेट्स। इस स्टॉक का आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही हमें देखने को मिला था और ये स्टॉक जो है अभी 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो मैं गौरव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो आज इस स्टॉक, इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वह यह है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड थे उनका लॉकिंग पीरियड आज ख़त्म होने को देखा गया है। तो जो जब एंजल इन्वेस्टर्स का लॉकिंग पीरियड ख़त्म होता है जनरली हमें सेलिंग देखने को मिलती है स्टॉक में, पर इस स्टॉक में हमें बाइंग देखने को मिली है आज, जबकि मार्केट जो था आज डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए कि जुलाई से लेकर अगस्त तक जो इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो लगभग 40% का दिया है, और जो आज आज के दिन जो इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम था वो लगभग 2 करोड़ का था। लगभग आज जो है जनरल नॉर्मल डेज से 2 टाइम्स तक इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और ये देखिए नीचे जो इसका डिलीवरी का जो पैटर्न है वह देखिए लगभग 40% का है। तो ये देखिए कि ये हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक के अंदर जो है डिलीवरीज ले रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को लेकर जमा कर रहे हैं। ये देखिए कि हम इस स्क्रीन से हम ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो किस लेवल की है। SBI और LIC जो है अभी 3 महीने इस स्टॉक को हुए हैं, लिस्ट हुए हैं, तब भी इसमें LIC और SBI म्यूचुअल फंड्स, ये जो 2 बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं इंडिया के, इन्होंने अपना कितना मेजर स्टेक 6% और 4% से ज़्यादा मेजर स्टेक इस स्टॉक में ले रखा है। और भी काफ़ी जो है ट्रस्टेड फर्म्स जैसे LIC प्रोडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसने भी अपना 2.25% तक स्टेक इसमें ले रखा है। और ये देखिए कि FII होल्डिंग्स जो है गोल्डमैन सैक्स ने भी इसके अंदर 2.22%, जिसने जियो में अपना इन्वेस्ट दिया था उस कंपनी ने भी जो FIIs की है उसने भी अपना स्टेक इसके अंदर ले रखा है। तो इनसे हमें पता लगता है कि इस स्टॉक की क्या अच्छी, कितनी अच्छी क्वालिटी है। और इसी स्टॉक का जो है वीडियो मैंने IPO के टाइम पे आप लोगों के लिए लेकर आया था, और वहाँ से या अभी तक जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 40% के रिटर्न आप लोगों को दिए हैं। तो